फॉर्म 10IEA जो ऑल टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करने के लिए होता है, अगर आप ITR 1 एंड 2 फाइल कर रहे हैं तो इस फॉर्म को फिल करने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि ITR 1 एंड 2 आप इस ईयर में न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं और सब्सिक्वेंट ईयर में उसको चेंज कर सकते हैं, वेयर एज अदर देन ITR 1 एंड 2 आपने अगर न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर ली है तो फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने शेयर्स परचेस किए हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तब भी आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं, बशर्त कि आपने उसका सेल नहीं किया है। फ्रेंड्स, LTCG और STCG का गेन हो रहा है और जो आपकी अदर इनकम है वो इंक्लूडिंग LTCG और STCG के गेन को इंक्लूड करते हुए बेसिक एग्जम्पशन से लिमिट से कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। फ्रेंड्स, अगर आपकी इनकम लेस देन है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से लेकिन आपका TDS डिडक्ट हुआ है और वो 26AS में दिखाई दे रहा है तो मेरी सलाह होगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए और TDS का रिफंड क्लेम कीजिए। फ्रेंड्स, मार्जिनल रिलीफ आपको अवेलेबल नहीं होगी इन केस ऑफ स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। अब स्पेशल रेट ऑफ टैक्स क्या होती है, जैसे कि STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो इस पर 15% टैक्स देना होता है। विनिंग अगर आप कर रहे हो कोई ऑनलाइन पजल गेम रेस हॉर्स तो उसमें 30% स्ट्रेट अवे टैक्स देना होता है। LTCG में 10% टैक्स देना होता है, मतलब कि ऐसी इनकम जो स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली टैक्स नहीं हो रही है, अदर देन स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली टैक्स हो रही है तो उस पर मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगी, चाहे वो ओल्ड टैक्स रिजीम हो या न्यू टैक्स रिजीम हो। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी से 50,000 रुपये की, चाहे सैलरी का अमाउंट एनुअली 10 लाख हो, 15 लाख हो, 25 लाख हो, 50,000 रुपये आपको मिलता ही है। कई बार ऐसा होता है कि 26AS में ऐसी इनकम दिखाई दे रही है जो SSC से रिलेटेड ही नहीं है। फ्रेंड, इस केस में आप उसका TDS क्लेम मत कीजिए और उस इनकम को दिखाइए मत तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको सैलरी रिसीट होती है और कंपनी ने TDS भी डिडक्ट कर लिया है लेकिन कंपनी ने अपनी TDS की रिटर्न फाइल नहीं की है, इस केस में 26AS में उससे रिलेटेड जो है TDS आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जो मार्च के केसेस होते हैं कई बार ऐसा होता है। तो अगर आपको TDS 26AS में नहीं दिखाई दे रहा है तो उतनी इनकम को आप कम कर सकते हैं और सब्सिक्वेंट ईयर में जब TDS दिखाई देगा तो उतनी इनकम को सब्सिक्वेंट ईयर में इंक्लूड कर लीजिए सो दैट कि आपको एक्स्ट्रा TDS आपको एक्स्ट्रा इनकम टैक्स अभी पे नहीं करना पड़े। जब हम रिटर्न को फाइल कर देते हैं और सबमिट करने जाते हैं तो हमें वैलिडेशन एरर आते हैं। इन वैलिडेशन एरर में एक कॉमन एरर आता है एग्जम्प्ट इनकम का, या फिर कभी कभी आपको बोला जाता है पिन कोड डालना, स्टेट कोड डालना, एरिया सेलेक्ट करना। फ्रेंड्स, इस केस में उस एरर के ऊपर उसके डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कीजिए, वो आपको उस इन्फॉर्मेशन में लेके जाएगा जहां पर आपको उस एरर को करेक्ट करना है। एग्जम्प्ट इनकम के अंदर आपको उसको डिलीट कर देना है अगर आपकी कोई नहीं है। प्रॉपर्टी जब आप परचेस करते हैं तो ITR 2 के अंदर ये मैंडेटरी नहीं है, मैं प्रॉपर्टी परचेस की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर को ओनर हो रहा है, को ओनर है उसके अंदर, तो उसका नाम, पैन नंबर, कितने परसेंटेज के लिए वो को ओनर है, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है। ओल्ड टैक्स रिजीम अगर 31 जुलाई के बाद में आप कोई रिटर्न फाइल करना चाहते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में तो आपको वो अवेलेबल नहीं होगी। ई वेरीफाई आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं आधार OTP के थ्रू, और आप फिजिकल फॉर्म गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बेंगलोर में सबमिट भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए ऑनलाइन ही करिए, क्योंकि जैसे ही आप ई वेरीफाई करते हैं रिटर्न को, आपका रिटर्न प्रोसेस होना स्टार्ट होता है, प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद ही आपको रिफंड आएगा। फ्रेंड्स, रिफंड का जो स्टेटस है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद में आपको सर्विसेज का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसके थ्रू आप रिफंड चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फाइल में जाके, ई फाइल में जाके, व्यू फाइल्ड रिटर्न में जाकर वहाँ पे पूरा ट्रैकिंग होता है जो आपका ये इन्फॉर्मेशन दे देगा कि कब आपने रिटर्न सबमिट करी, कब ई वेरीफाई हुई, कब प्रोसेसिंग हुआ, और प्रोसेसिंग होने के बाद में आपके ऊपर डिमांड रेज हुई है या रिफंड आया है या अन्य किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आस्क की जा रही है। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लॉगिन करने के बाद में राइट हैंड साइड पर आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, उस प्रोफाइल में जाकर आप देख सकते हैं अपना ईमेल और मोबाइल नंबर, उसको चेक कर लीजिए, अगर उसमें कुछ करेक्शन करना है करेक्शन कर लीजिए, बिकॉज जितने भी फ्यूचर कॉरेस्पोंडेंट्स आते हैं वो आपके मोबाइल और ईमेल आईडी में
जो प्रोफाइल में मेंशन होते हैं उसमें लिखे रहते हैं। एक और चीज़ है जो मुझे लगता है 95% लोग अभी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, वो है एक्टिव बैंक डिटेल्स। एज पर इनकम टैक्स की ITR की जो गाइडलाइंस आई है, उसमें आपके जितने भी बैंक अकाउंट एक्टिव हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको ITR में देनी होती है, जो मुझे ऐसा लगता है 95% केसेस में नहीं दी जा रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को अन्य व्यक्तियों के साथ में शेयर कीजिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।